के उज्जवल भविष्य में जब भी है कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी मार्केट के बाद करके भारी दिन में यदि हम आपने कंपटीशन की अगर तैयारी करी है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं सफल होंगे और आपको कई मार्ग पर अच्छे से जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है आगे जाकर तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए या साफ कट कर गए तो भी देखो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी बच्चियां हैं ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि आप सभी जानते हैं घातक का गणित है दसवीं तक का गणित है ना और आपका जो हिंदी पूछा जाता है वो बारहवीं तक का तो बारहवीं में हिंदी सबके लिए सेम होती है ग्यारहवीं में अगर कोई कॉमर्स लेता है तो उसकी हिंदी भी सेम है और जो बायोलॉजी लेता है उसकी हिंदी भी सेम है। आपसे अच्छे से पढ़ते गए तो एक तो आपके परसेंटेज अच्छे होंगे ठीक है आने वाली भर्तियों में आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आपको सरकारी नौकरी मिल पाएगी सीधी सी बात आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। दसवीं अगर आप पास है तो आप पुलिस की परीक्षा भर सकते उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए कितने साल उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए दसवीं पास होनी चाहिए ठीक है अभी केवल दसवीं पास मांग रहा है आने वाले समय में हो सकता है कि हम परसेंटेज की बात करें परसेंटेज की बात करें यानी वो बोलेगा अभी तो दसवीं पास मांग रहा है क्योंकि इससे पहले मैं बताऊं आपको बैंक की जो वैकेंसी निकलती है आपको नॉलेज में नहीं होगा बैंक की वैकेंसी पहले बारहवीं पास से निकलती है ठीक है समय के साथ इतना परिवर्तन आया कि ज्यादा विद्यार्थी वहां पर तैयारी के लिए जाने लगे ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म आवेदन करने लगे ठीक है तो वहां समस्या ये आ गई कि सरकार ने एक नियम चेंज करके कर दिया कि बारहवीं पास में बैंक के लिए आपको स्नातक होना पड़ेगा स्नातक का मतलब ये है कि आप कॉलेज की परीक्षा पास करें ठीक है अगर आने वाले समय में अगर कोई पुलिस बनना चाहता है और आपके परसेंटेज कम हुए जैसे परसेंटेज की बात करते हैं ना प्रतिशत प्रतिशत की बात करते हैं आपकी तो प्रतिशत को क्या होगा यदि आने वाले समय में आपके प्रतिशत कम हुए तो उसका क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ये आपकी नींव बन रही है और नींव को मजबूत करने के लिए आज से ही पढ़ना पड़ेगा आज से मेहनत करनी पड़ेगी वैसे आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है पर थोड़ा सा अपन को यह ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अपन कुछ गलतियां कर रहे हैं उनको बार बार ना दोहराएं उन गलतियों को ना करें ठीक है। अब जैसे बात करें कि इससे पहले आर्मी की परीक्षा निकलती थी आर्मी आर्मी भी दसवीं पास है और आठवीं पास भी दसवीं पास आठवीं पास भी आर्मी उसमें ट्रेड की वैकेंसी होती है जिसमें आठवीं पास मांगता है जिसमें आपको जो छोटे बड़े कार्य होते हैं जैसे खाना वाना बनाना इसके लिए भी तो वैकेंसी चाहिए तो वो ट्रेड में लेते हैं ठीक है। तो पहले निकलती थी दसवीं पास और अभी की दसवीं पास है पर पहले परसेंटेज ही मांगता था और अभी वर्तमान में वहां परसेंटेज अनिवार्य कर दिया 45% आपको चाहिए कम से कम और सप्लीमेंट्री या ग्रेस वाला बंदा नहीं चलेगा। तो यदि आप किसी सब्जेक्ट को कमजोर समझ के चल रहे हैं और यदि आपके वहां पर परसेंटेज कम बने या आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए या आपके उसमें ग्रेस लग गई तो हो सकता है कि आने वाली वैकेंसियों में आपको दिक्कत आए। आपको पता है कॉलेज में अभी एडमिशन होते हैं तो वहां मेरिट लिस्ट में डालती है जिसके सबसे ज्यादा नंबर सुना होगा आपने आपके जो बड़े भाई बहन है ठीक है जिसके सबसे ज्यादा परसेंटेज होते हैं उसको सबसे अच्छा कॉलेज मिलता है जिसके परसेंटेज कम होते हैं वो नीचे खिसकता जाता है खिसकता जाता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि किसी लड़की ने या किसी लड़के ने फॉर्म भरा था उसका लिस्ट में नाम ही नहीं आया क्यों क्योंकि वहां लिस्ट बन रही है परसेंटेज के हिसाब से जिसके परसेंटेज अच्छे हैं उसको जो अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और जिसके परसेंटेज कम है आपको पता है कि वो धीरे धीरे नीचे खिसकते खिसकते कहां चला जाएगा ये तो आप भी जानते हैं सभी चीजों में परसेंटेज मायने रखते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने परसेंटेज पर ध्यान दो ठीक है केवल परसेंटेज को कवर करके चलोगे तो आप कवर कर लोगे। अभी मान लो जैसे दसवीं पास से आपकी पुलिस की भर्ती निकल रही है जो लड़कियां सबका लेके चल रही है कि सर मुझे पुलिस में जाना है एक क्लास छोटी क्लास है नाइन्थ है ना नाइन्थ क्लास है अब आप दसवीं में जाएंगे ठीक है हो सकता है कि आपके जीवन में मेरी एक ही क्लास हो जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं मेरे को बहुत सी जगह जाना पड़ता है मॉडल स्कूल जाके आया उससे पहले मैं उधर बढ़िया में एक स्कूल है वहां जाके आया फिर आपके पास आ गया हूं पढ़ाने। देखो आपके समझो यार क्यों भाग रहा हूं मैं इधर उधर क्या मिल रहा है मुझे क्या कारण है कि मैं इधर उधर जा रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं समझता हूं
कि ये क्षेत्र मेरा है और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का मुझे जिम्मा मिला है और मुझे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो भाई हैं, जो तैयारी नहीं कर रही है, या कहने का मतलब है जो किताबों को व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ रही है, आगे जाके उनको क्या क्या भुगतना पड़ेगा, जब कॉम्पिटिशन एग्जाम होगी तो उसमें बार बार उसको फेल होकर आना पड़ेगा, तो उस फेल होने से रोकने के लिए मैं आपका कह रहा हूं कि आप अभी पढ़ लो। मैं ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, जो किताबें आपकी है वो आप पढ़ लो। आपके परसेंटेज अच्छे हो गए तो आप कोई भी कॉलेज अच्छा मिल जाएगा आपको, प्लस आपको वहां से क्या हो जाएगा, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो मान लो अभी 18 साल में बहुत समय बाकी आपको, किसी के 4 साल बाकी होंगे, किसी के 5 साल बाकी होंगे, किसी के 3 साल बाकी होंगे, किसी के 6 साल बाकी होंगे, हो गया इतना होगा अभी। तो जब आप वहां तक जाओगे, क्योंकि पहले 12वीं से निकलती थी, आज से 4-5 साल पहले 12वीं से आपकी वैकेंसी आया करती थी बैंक के में, अब आ रही है कॉलेज परीक्षा के बाद। पहले 10वीं पास को आर्मी में दौड़ के लिए बुला लिया जाता था, अब मांगा जा रहा है परसेंटेज, कि 45% अगर उससे कम होगा तो वो आवेदन ही नहीं कर सकता। मतलब या तो फिर दोबारा से 10वीं पढ़ने के लिए जाओ या फिर उसी को कवर करो। तो कहने का मतलब ये बेटा, आप ये ध्यान रखो, आपको अगर नौकरी चाहिए कोई भी, तो सबसे पहले अपनी परसेंटेज पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप उसका महत्व नहीं समझ रहे, फिर बाद में तुमको समझ आएगा और फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा कि काश यार मैं उस समय बढ़िया से पढ़ती और मेहनत करती तो आज मेरे पास कुछ और होता। अगर पाएंगे मान लो आपके पास 100% होते तो क्यों नहीं आप 100% के लिए प्रयास करते। आपको एक और चीज बताता हूं, एक पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आती है 10वीं पास के लिए, उसमें क्या रहता है कि आपका परसेंटेज से मेरिट बनती है, आपके जितने अच्छे परसेंटेज उतनी बढ़िया जल्दी नौकरी लग जाएगी, वहां आपको कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। परसेंटेज अगर आपके वहां पर 96% या 97% है और पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आ रही है, उसमें आप 10वीं की मार्कशीट लगाइए अपनी, ओनली 10 10वीं की मार्कशीट लगाइए और उसमें अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे 97, 98, 95, 90 से ऊपर ही मेरिट रहती है उसके, 90 से नीचे वाला तो मुश्किल आता है, हो सकता है कभी आ जाए तो वो बात अलग है, पर वो डायरेक्ट नौकरी होती है। जैसे आपकी भर्ती निकली, आपने आवेदन किया, ऑनलाइन जाके आपने भेजा और वहां से आपको सूचना आ जाती है कि आपके परसेंटेज अच्छे थे, इसलिए आपको पोस्ट ऑफिस की नौकरी के लिए बुलाया जाता है, आप डायरेक्ट चले जाओ, तो आपके पास तो बहुत बढ़िया उसका ही अभी और बहुत समय पर समझाने आ रहे हैं कि यहां से आप इतनी बढ़िया सी पोस्ट ऑफिस में नौकरी कोई भी हो और पोस्ट ऑफिस को तो और बढ़िया नौकरी, अच्छी नौकरी है, दिन भर आईसी में बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ऐसे होता ना, देखा हो पोस्ट ऑफिस अपने आस पास है, देखा हो आपने कि वहां बढ़िया से बैठे रहो, अरे काम हर जगह करना पड़ता है। अभी कोई पोस्ट ऑफिस वाले भैया बोलते हैं सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि बैठे रहते हैं, अरे यार उसको इनको समझाना पड़ेगा ना तब जाके, काम तो हर जगह करना पड़ेगा आपको, नौकरी ऐसे थोड़ी लगेगी, मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी व्यक्ति आपको नौकरी दे रहा है तो काम तो करना है। अरे अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको समझाना पड़ेगा बेटा, समझो, ठीक है। जब अगर यहाँ बस स्टैंड से निकलते हैं तो आप देखो कि आपके जैसी लड़कियां कहीं कहीं क्या क्या काम कर रही है। अपन देखते हैं कि अपने जैसी लड़कियां मान लो जैसे कोई मकान का काम चल रहा है तो वहां पर काम कर रही है, इधर किसी ठेले पर बैठकर सिंगाड़े बेच रही है, ठीक है, देखा होगा आपने, देखो वो भी अपनी बहन ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और उनको देखकर अपन को ये सीख मिलती है कि यार कहीं ना कहीं मेरे को भगवान ने एक अच्छे परिवार में जन्म दिया, जहां 2 वक्त की रोटी मेरे को टाइम पर मिल रही है, रहने के लिए छत मिल रही है, सब कुछ मेरे को ऐशो आराम है, फिर मैं क्यों मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों मेहनत नहीं कर रहा हूं, कुछ तो कारण है। भगवान के मंदिर में जाकर मत्था टेक कर ये बोलना, हे भगवान तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं, तुझे ऐसे माँ बाप दिए मुझे जो मुझे 2 वक्त की रोटी टाइम पर दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, खाने के लिए रोटी दे रहे हैं, पर अब मेरा फर्ज क्या है ये मैं नहीं जान रही, मैं अपने सुंदर भविष्य को टीवी देखकर बर्बाद कर रही हूँ। आने वाले समय में अगर आप कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप ही में से कोई कलेक्टर बन सकता है और आप ही में से आपको पता है कोई बेरोजगार भी है, जो तो आप जानते हैं सबकी नौकरियां नहीं लगती पर किसी किसी की लगती है और किसी में अपना नाम शामिल है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ कभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई ऐसी लड़की जो आने वाले समय में 3000 में काम करना, मैं यहां लिखता हूं, एक आपको 5000 रुपये महीना देगी,
एक नौकरी जिसमें पांच और एक में आपको 50,000 रुपया महीना देगी, तो मुझे बताइए कि आप कौन सी नौकरी करेंगे? 50,000 वाली, ये वेरी गुड एक्सीलेंट। और पता है ये 50,000 की कब मिलेगी? जब आप पढ़ाई ढंग से करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके दम पर आप सारी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। हमें सफलता हर उम्र में अच्छी लगती है, पर जितनी जल्दी आपको मिल गई उतनी जल्दी आप उसका आनंद उठा पाओगे। आजकल के बच्चों का ये हाल है, किसी व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, उसने कहा सर आजकल के बच्चों का ऐसा हाल है कि किताब दे दो तो 2 बजे सो जाते हैं और मोबाइल दे दो तो 3 बजे सो जाते। सही है ना? भले वो छोटा सा बच्चा ही हो, वो भी नहीं सोएगा, देखे करेगा, मोबाइल हाथ में लेगा उसके, वही मोबाइल हाथ में पकड़ के सो जाएगा, मोबाइल छुड़ा के देख लो आप, रोने लग जाएगा भी। है ना? ऐसी स्थिति। पर यार मेरी बात सुनो, छोटे बच्चे हो तो चलो ठीक है, अपन तो बड़े हो गए ना, समझदार हो गए ना, क्या अपने भविष्य को लेकर अपन चिंतित नहीं है? हमें चिंता होनी चाहिए इस बात की कि अगर हमें इस शिक्षा के दम पर एक अच्छी नौकरी नहीं मिली तो बताओ क्या कर सकते हो आप? क्या है आपके पास? अगर आपको एक प्रतिष्ठित जॉब नहीं मिलती है तो मुझे बताइए आप क्या कर पाओगे लाइफ में? अगर हम बात करें, इससे पहला सवाल 106 × 104, ठीक है, 100 से कितना ज्यादा? 6 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, 100 से 4 ज्यादा 6 ज्यादा, तो ये 6 और 4 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 24। जैसे दो लड़कियां हैं, ठीक है, इसमें से एक लड़की स्कूल नहीं आती है तो ये एप्लीकेशन लिखती है तो दूसरी लड़की उसको लेकर मैडम को दे देती है, पर कभी ये नहीं आई तो आज लेकर आएगी, वो कल क्या बोलेंगी, तो मेरी एप्लीकेशन लेना तो ले जाना पड़ेगी। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर ये लड़की है तो इसका ज्यादा इसको दे दो, या इसका ज्यादा इसको दे दो, ये 4 ज्यादा है तो 106 में 4 करो कितना है? 110। आपका आंसर चेक करें आप, 110 24, ठीक है, 110 24 आंसर होगा आपका, चेक कर लो, क्लियर है? जिसने किया था उनका क्लियर होगा, जिसने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर एक बार समझेंगे कि उसको कैसे करेंगे। 108 × 109 कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। और इधर कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। कुछ नहीं करना आपको, इनको आप 8 × 9 कर दो, 8 × 9 72, वेरी गुड, 72 हो गया, 72। अब कुछ नहीं, ये इसका ज्यादा इसमें जोड़ो, क्या इसका इसमें जोड़ो, 8 इसमें जोड़ो, 109 में 8 जोड़ा, 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 117। तो आंसर क्या हो गया? 117 72। चेक करो, सही है, गलत हो नहीं सकता, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप 10 की क्लास स्टार्ट करो, 11 करो, ठीक है, क्योंकि टाइम तो मिल नहीं पाता बेटा, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप पढ़ाई करो, ठीक है। यदि आप किसी क्षेत्र में थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट में कमजोर लग रहे हो तो कहीं ना कहीं जाकर जो अच्छे टीचर्स है उनसे संपर्क करो और पढ़ो। जैसे आपको स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है, पर फिर भी क्या है कि दिमाग थोड़ा सा बोलता है कि थोड़ा कोचिंग वोचिंग हो जाए तो थोड़ा और बेनिफिट मिल जाए, तो ज्ञान कहीं से भी मिले आपको ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप स्कूल में अपसेंट मत लो, यदि आप स्कूलों में अपसेंट चलेंगे तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई के प्रति आप थोड़ा सतर्क हो जाए।